सो है यो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप अपने यूट्यूब वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है। अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो में किसी के भी सॉन्ग को यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो है आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। तो कॉपीराइट क्लेम से हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस अगर आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल है तो उस वीडियो से जो भी आप पैसे कमाने वाले थे तो वो उस सॉन्ग के मालिक के पास चले जाएंगे। आपको उस सॉन्ग से कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे जिस पे आपको कॉपीराइट क्लेम आई है। तो अगर आपको भी अपने यूट्यूब वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आई है, आप उसे हटाना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है www.youtube.com/dashboard। तो जैसे आप वो सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको राइट सेक्शन में साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन कर लोगे तो साइन इन करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। तो क्रोम ब्राउज़र में दोस्तों हमें 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे आने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो यूट्यूब है वो कंप्यूटर के ऐसे ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियो मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको वीडियो मैनेजर पे आना है। जैसे आप वीडियो मैनेजर पे जाते हो तो आपके पूरे वीडियो जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 2 वीडियो पे मुझे जो है कॉपीराइट क्लेम आई है। वो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी बना है और नीचे लिखा है इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट। तो अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, तो उस वीडियो पे मैं चले जाऊँगा, उस वीडियो को दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देख सकते हो कि यहां पे आपको जो लास्ट ऑप्शन मिलता है कॉपीराइट का। तो अगर आपको कॉपीराइट क्लेम आई है तो आपको क्या करना है, इस कॉपीराइट के वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहां पे आपको ऊपर लेके आके कॉपीराइट पे सिलेक्ट करके बता देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपको कॉपीराइट लिखा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहां पे आपको जो है टाइमिंग बताई जाएगी कि आपके कितने वीडियो पे जो है कॉपीराइट क्लेम आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे वीडियो पे जो है कॉपीराइट क्लेम आया, यानी मैंने पूरा वीडियो जो है सॉन्ग यूज़ किया था, इसलिए मुझे जो है पूरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। तो अगर मुझे इसे हटाना है तो आपको मैं क्या एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप जो है कॉपीराइट क्लेम भी हटा दोगे और आपके जो यूट्यूब पे वीडियो है वो वीडियो भी कट नहीं होगा, ना आपके व्यूज़ कम होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो टाइमिंग वो टाइमिंग को देख लेना है। तो यहाँ पे तो मेरे पूरे वीडियो पे क्लेम आया है। अगर सपोज़ आपका 10 मिनट का वीडियो और आपको 5 से लेकर 7 मिनट के बीच आपने जो है कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग को यूज़ किया है, तो आपको वो टाइमिंग को याद रखना है। याद रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको जो वापस से इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों ऊपर देख सकते हो कि आपको ट्राई स्टूडियो बीटा का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, ट्राई स्टूडियो बीटा पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं क्या करना है बता देता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करोगे ट्राई स्टूडियो बीटा पे, तो यहाँ पे एक और नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सेकंड ऑप्शन मिलता है वीडियो का, तो आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके जितने भी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ होंगे वो सभी वीडियो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सभी वीडियो जो है दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो भी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पहले वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है, मैं पहले वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट सेक्शन में ही एक पेंसिल बनी दिखती है। पेंसिल के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एनालिटिक का। एनालिटिक के नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है एडिटर का। तो यहाँ पे आपको जो है एडिटर वाले पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला है पेंसिल यानी डिटेल, उसके बाद नीचे है दोस्तों एनालिटिक्स का ऑप्शन। एनालिटिक्स के नीचे ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एडिटर का। तो अगर आप एडिटर पे क्लिक करते हो तो यहाँ से दोस्तों आप अपने कोई भी यूट्यूब वीडियो को जो है एडिट कर सकते हो। अगर आपको अपनी वॉइस को चेंज करना है या वॉइस का पार्ट हटा के कोई और पार्ट ऐड करना है, तो वो सभी दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से हम अपनी कॉपीराइट क्लेम को भी हटा सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पूरे वीडियो पे जो है क्लेम आया था, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा म्यूज़िक का पार्ट था पूरे वीडियो का, उस पार्ट को मैं ट्रिम कर दूँगा। तो अगर आपका भी 10 मिनट में से, अगर दोस्तों आपका वीडियो है 10 मिनट का और आपको कॉपीराइट क्लेम आया है 5 से लेकर 7 मिनट के बीच में, तो आपको क्या करना है, वो पार्ट को सिलेक्ट करके उस पार्ट को ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों वो जो पार्ट है हट जाएगा। अगर आप उसके बाद दोस्तों सेव चेंज करते हो तो आपका जो वीडियो है वो वीडियो वैसी रहेगा और वहाँ से जो है कॉपीराइट क्लेम भी हट जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपका व्यूज़ भी नहीं कम होगा, ना ही यूट्यूब पे से वीडियो डिलीट होएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपकी सभी जो है चीज़ जैसी थी वैसी रहेगी। बस जो आपका बॉलीवुड सॉन्ग का पार्ट था वो पार्ट आप ट्रिम करके हटा दोगे। तो ये तरीके से दोस्तों आप जो अपने यूट्यूब वीडियो पे से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो। और दोस्तों इसी तरह के यूट्यूब रिलेटेड हेल्प, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बाजू के बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।